पंचकुला में कोरोना पॉजिटिव बच्ची की मौत, कमांड अस्पताल से डेथ समरी, रिपोर्ट मिलने का इंतजार, किस वेरिएंट से हुई मौत, होगी जांच। कोरोना के साथ और भी बीमारी आई सामने, बच्ची का श्वसन तंत्र फेल हो गया था, निमोनिया की थी शिकायत। ठंड से बचने के लिए लेह से पंचकुला पहुंची थी बच्ची। अब खबर विस्तार से। हरियाणा में पंचकुला जिले में कोरोना संक्रमण से 9 साल की बच्ची की मौत हो गई है। सिविल अस्पताल प्रशासन अब डेथ समरी से पता करेगा कि बच्ची की मौत का कारण कौन सा वेरिएंट रहा। कमांड अस्पताल से जिला प्रशासन के पास बच्ची की मौत की पूरी रिपोर्ट अभी नहीं आई है। सिविल अस्पताल को उसकी डेथ समरी रिपोर्ट का इंतजार है, उसके शाम तक आने की उम्मीद है। रिश्तेदारों के पास रहने आई थी बच्ची, लेह की रहने वाली 9 साल की बच्ची की सोमवार को कमांड अस्पताल में मौत हो गई थी। यह बच्ची 3 दिसंबर को लेह से पंचकुला अपने रिश्तेदारों के पास आई थी। 1 जनवरी को वह बेहोश हो गई थी, उसे कमांड अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। डॉक्टर ने परिवार को बताया कि बच्ची का श्वसन तंत्र फेल हो गया है और निमोनिया की भी शिकायत मिली है। बच्ची को दौरे भी पड़ते थे। रिश्तेदारों ने बताया कि लेह में सर्दी ज़्यादा थी, इसलिए बच्ची पंचकुला लाई गई थी। डिप्टी CMO डॉक्टर राजीव नरवाल का कहना है कि कमांड अस्पताल में डेथ हुई है। जीनोम सीक्वेंसिंग का सैंपल केवल विदेशी या स्पेशल केस में किया जाता है। बच्ची के डेथ वेरिएंट का पता प्रोसेसिंग से ही लगेगा। अभी डेथ समरी नहीं आई है, जब तक डेथ समरी नहीं आती तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। बच्ची कोरोना पॉजिटिव थी, परंतु मौत के कारण और भी हो सकते हैं। पंचकुला में अब तक कोरोना पॉजिटिव केस 31,093 सामने आए हैं, इनमें से 30,550 ठीक हो गए। कुल 381 मरीजों की मौत हुई है। अब 162 केस एक्टिव हैं। यदि आप चाहते हैं देश प्रदेश, अपने शहर व गांव की तमाम निष्पक्ष खबरों को देखना, तो हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म दैनिक साथी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।